दोनों कैमरा रोल हो रहे हैं। Say something. Romi, there are no questions about girlfriends. क्या अपन बात क्या कर रहे हैं? हल्ला बोल, हल्ला बोल। So you guys are most of the time you guys are traveling and away from home. So you miss your own car, family. Who you miss specially? Yeah, I miss my parents the most. Family is. And Riyan, you? I like staying away from home. Really? I'll tell your mom. And, she's anyway going to see this, so she'll know. Yeah. And. अरे मम्मी गेम खेलने दी थी घर पे. And what about you, Mahipal? मुझे तो दोस्तों के साथ रहना बहुत ज़्यादा पसंद है actually. कोई girlfriend वगैरह जिसके long drive पे जाने कुछ दिल करे? No girlfriend. अरे मजाक मत कर. नहीं ऐश्वर्या के साथ जाना है मुझे long drive पे कभी. अब वो अब देख लो अब मेरी तो मतलब ऑल टाइम तेरे शराफत के किस्से लेकिन बहुत सुने हमने जैसे कि तू जब बिलियर्ड खेलता है तो कितना शरीफ आदमी होता है चीटिंग तो करते ही नहीं है बिल्कुल चीटिंग नहीं बिल्कुल अगर चीटिंग, चीटिंग करना है तो एक ही इंसान से सीखना है किससे आपसे मुझसे चीटिंग सीखना है टीम में जब तुम इस सर आईपीएल में थे सबसे फनी मोमेंट तेरे को क्या लगता है कौन सा था रोमी सर्स बर्थडे बिकेम इवन माय बर्थडे दे स्पेशली ऑन मी बट आई थिंक द फनीएस्ट मोमेंट वाज व्हेन यू गॉट दैट व्हेन स्टीव स्मिथ वाज प्लेइंग विद यू billiards and he was keep you know putting the balls in the yeah so that so, was the best moment I saw that was on camera also so yeah I'm sorry so much you were parking balls huh you were getting parking balls as I was putting back his balls on the table and I don't know and he didn't you catch did you. This you with me on 15 16 ball was I just thought I just keep playing only तेरा कौन सा भाईपाल सबसे फनीस्ट मोमेंट मेरा तो यही था कि श्रेयस भाई के साथ जब भी कोई गेम खेलता था मुझे ऐसा उल्लू बनाया जाता था और फिर मैं जो वीडियो देखता था उनके तो मुझे लगता था बहुत ज्यादा अपने आप पे बहुत हंसी आती थी मुझे बट तेरे को ऐसा प्लेयर है अपनी टीम में ऐसा कौन सा प्लेयर है जिसके साथ तू टाइम बिताना चाहेगा अभी तो लाइक रियान श्रेयस भाई एवरीवन एक्चुअली सेफ बस सेफ खेल रहा है सेफ नहीं इट्स नॉट अबाउट सेफ अच्छा ठीक है और लाइक लास्ट ईयर इट वाज ईशपाजी ईशपाजी इज अ गुड गाय रियान फॉर यू स्टोक्स 100% लियम फॉर यू बडी लियम एंड स्टोक्स लियम मजाक के लिए स्टोक्स सीरियस कन्वर्सेशंस के लिए अच्छा तो स्टोक्स के बारे में क्या क्या ऐसा क्या अच्छा लगता है तुम्हें ऐसा अच्छा लगता है कि वो क्रिकेट को वो गेम की तरह मतलब देखते हैं कि इट्स जस्ट अ गेम ज़्यादा कोई जैसे चेन्नई के साथ जो लास्ट ओवर का हुआ उसमें हम हारे तो मैंने बस पे उनसे बात की तो ही वॉज वेरी कूल अबाउट इट लाइक इट्स अ पार्ट ऑफ द गेम इट हैपेंस यू डू बैड थिंग लाइक यू डू बैड परफॉर्मेंसेज यू डू गुड परफॉर्मेंसेज तो बाकी मैंने ये भी पूछा था कि आपको सोशल मीडिया पर इतना हेट कर रहे हैं गंदे गंदे कमेंट्स दे रहे हैं तो आप वो देखते हो कि नहीं देखते हो तो उन्होंने कहा कि हाँ मैं देखता हूँ और वो लेन मैटर मुझे करेगा नहीं क्योंकि मेरा मैटर करता है बस अपने मेरा फैमिली मेरी वाइफ और मेरे दोस्त जो जिसके ओपिनियंस मेरे लिए काउंट करते हैं तो आई थिंक वो एडवाइस मुझे बहुत अच्छा लगा और वो बहुत सुलझे हुए बातें करते तो आई थिंक यू प्लेड लॉट ऑफ क्रिकेट बट यू नो व्हिच ग्राउंड यू लाइक द मोस्ट एंड क्राउड एंड यू लाइक playing Jaipur and crowd I'm not being diplomatic but I like Jaipur a lot I like to bowl in Jaipur because firstly it's huge boundaries so as a spinner thoda aur ye freedom milta hai na thoda upar se dalne ke liye you can take a couple of gambles in that sense so yeah. that was the best part so any big ground is good so before playing for Royals have you like the Rajasthani culture or food or something have you just you know पहले कभी सोचा था कि तुमने कि तुम राजस्थान जाओगे और ऐसा कभी नो आई हैव नेवर ट्रैवल टू मच टू राजस्थान सो आई डिडंट नो टू मच ऑफ द कल्चर रियान फॉर यू फॉर मी आई थिंक एनी कनेक्शन राजस्थानी कनेक्शन राजस्थान से एक्चुअली एक स्पेशल कनेक्शन है क्योंकि मेरा अंडर 19 इंडिया में जो फास्ट ट्रैक हुआ आई थिंक राजस्थान में शुरू हुआ था मैंने एक अंडर 19 डेज मैच में 100 किया था आई थिंक जयपुर It's one of my favorite grounds to bat on, and so I think Rajasthan se wo connection hai.
और एक ग्राउंड मुझे पसंद है, वो केकेआर का ग्राउंड है कोलकाता। अच्छा, बस बैटिंग करने में बहुत मजा आता है उधर। छोटा ग्राउंड, छक्के मारो, फील इतनी आउटफील इतनी तेज। आई थिंक महिपाल को तो सबसे अच्छा जयपुर ही लगेगा ना, क्योंकि सारी गर्लफ्रेंड उधर ही है, सब उधर ही है। गर्लफ्रेंड के बारे में नहीं है जयपुर। मेरे को लास्ट टाइम पता है तू इतने टिकट ले रहा था और तूने बाद में स्टेटस पे स्टेटस डाल दिया था, क्या स्टेटस था वो? स्टेटस था कृपया टिकट मांग के शर्मिंदा ना करें। दैट वाज हिज व्हाट्सएप स्टेटस। यस, जो भी लास्ट टाइम आपका डोमेस्टिक में हाईएस्ट विकेट रहा ना अभी इस साल? हां इस साल, या इन द डोमेस्टिक। तो और आपने हैट्रिक भी लिया है इस साल, बॉलिंग के लिए बहुत अच्छा था ना, तो इसका क्रेडिट किसको देते आप? यू फील व्हाट इज द व्हाट यू फील कि इस साल ऐसा सब कुछ हो रहा तो क्या क्या स्पेशल है? क्रेडिट goes to a lot of people, but I also want to take a little bit of it, a small portion, probably 10% of that credit. But I think it's so many people have put in their work for me, so I'm very grateful for that. Without them, it definitely wouldn't be possible. It could just be their energy, their support. It could be small things like that. But it's been good year this year, white ball cricket especially. I hope I can better it, if not do the same performances in the future as well. So Riyan, वो तेरे जो teddy bear का love है, तो ये जब ये teddy bear लेके आया था first time, what you feel when you met first time Riyan and all? So तेरे को क्या लगा था? What did you know feel like? I was also shocked. I didn't expect anyone to come with a teddy bear. But yeah, that's him. That's his personality. If he really likes it, if that makes him happy, why not? And his dance as well, right? That dance is never going to stop. I think it's going to become a Rajasthan Royals culture now. Yes. What do you feel ki jab tu pehli baar inko mila, so tera impression kya tha? What is your first impression, and then what do you start believing and thinking about Shreyas and especially Mahipal? Mahipal ko to janta hi tha. Shreyas mere ko laga tha ki thoda matlab itna reserved nahi hoga. Mere ko laga tha thoda मतलब रिजर्व है वेरी हम्बल, वेरी डाउन टू अर्थ, इंट्रोवर्ट, यू कैन से इंट्रोवर्ट, बट वेरी डाउन टू अर्थ एंड वेरी हम्बल, कुछ ज्यादा ही हम्बल है। आई थिंक दैट्स वन ऑफ द बिगेस्ट क्वालिटीज एसजी हैज। पहले एक बात बता, पहले ड्रेसिंग रूम में जो भी तू इतनी मस्ती करता है, क्या करता हूं मस्ती, क्या बात करता तू? सॉरी, टीम रूम में after the match everybody tired and feeling their own play, but you always come in the team room, TD table and all, so you have lot of fun. What do you just say, is it your just to getting wo hangover nikalne ke liye hai ya just kya formula kya hai? Formula aisa kuch nahi hai. I've always believed that I don't celebrate success too high, or I don't brood over failure too much, so I have to try and maintain that balance. You're always in the middle, you're not too good or you're not too bad. So I especially, you know, if we don't do well as a team, I try and come and just unwind a little more. I try and put, before going to bed, I want to smile and go to bed. I don't want to go back to bed with a bad thought. So that was my biggest intention of coming to the team room as soon as the game is over. Who's your favorite player in the RRL? Who's favorite buddy? Favorite buddy? Yeah, in RRL. I'm close to so many people. I would say Sanju Samson. I've known him the longest. I've known him since I was 11. So share a very long and a very dear friendship. And you, Mahipal? Sanju. Yes, I'm. Sanju Paji. Paji, parwaah nahi karde. What is his favorite line? You know, parwaah nahi karde. Parwaah nahi karne. Shabash. Young. एक दिन अगर तेरे को बोलने की किसी के साथ बिताना है पूरा दिन, तो किसके साथ बिताएगा, किस प्लेयर के साथ बिताना चाहेगा? इश्पाजी 100%. भाईपाल, तू? संजू. I would say Steve Smith, because I want to get into his brain. I want to understand how he makes so many runs, how he understands each situation. You can't in one day. और परवाह नहीं करते हैं वो बिल्कुल भी.